क्लास दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर इकोनॉमिक स्टडी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर की इकोनॉमिक स्टडी की जा रही है और उसका ये सेकेंड वीडियो है। ध्यान से समझेंगे आप, देखिए समझ में नहीं आता है तो आप इसको दो बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर है, प्रोडक्शन को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस। प्रोडक्शन का एम क्या होता है, गुड्स और सर्विसेस को प्रोड्यूस करना। दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं, यानी हम कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेस चाहते हैं उन्हें प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन का पर्पज होगा। देर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की फोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कौन कौन सी फोर रिक्वायरमेंट्स होंगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, यानी जमीन की जरूरत पड़ती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होता है, जैसे वाटर चाहिए, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। तो ये लैंड के साथ ये चीजें शामिल होती हैं, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शंस कहलाते हैं जी। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज, दूसरी जरूरत क्या है हमारी, लेबर। तो जमीन जहां पर है उस पर वर्क करना के लिए लेबर की जरूरत जरूरी है। पीपल हु विल डू द वर्क, यानी जो लोग वर्क करेंगे वो लेबर कहलाते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, कुछ जरूरी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या है, हाईली एजुकेटेड लोगों की जरूरत होगी। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो दूसरी एक्टिविटी रिक्वायर कुछ दूसरे कामों के लिए ऐसे वर्कर की जरूरत पड़ती है जो कुछ मैनुअल वर्क करते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो हर एक वर्कर प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी लेबर प्रोवाइड करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल। पहली क्या थी, लैंड, दूसरी लेबर और थर्ड है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के काइंड्स हैं। फिजिकल कैपिटल, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में कौन कौन से आइटम्स आते हैं उन्हें समझते हैं। देखिए फिजिकल कैपिटल में शामिल है क्लास, फर्स्ट में क्या है, देखिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। तो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स, इनकी रेंज क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल टूल से लेकर के फार्मर्स प्लो किसान का हल से लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरस। तो बड़ी बड़ी मशीनें जैसे जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो ये सब टूल्स और मशीन में आते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। तो इनको बहुत सालों से प्रोडक्शन में यूज किया जाता रहा है और एक तरह इसको फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। टूल, मशीन और बिल्डिंग्स को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है क्योंकि एक जगह फिक्स होती है, वो एक बार इन पर पैसा खर्च होता है, बार बार नहीं होता। अब सेकेंड है देखिए फिजिकल कैपिटल का, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो सेकेंड जो फैक्टर है हमारा फिजिकल कैपिटल का, रॉ मटेरियल और हाथ में कितना पैसा है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए, सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेवर, वेवर के द्वारा यूज किया जाने वाला धागा, एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, पॉटर यूज करता है क्ले। क्ले क्या होता है, वो गीली मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। Also some money is always required during production, और production के दौरान क्या है, कुछ money की भी जरूरत होती है। To make payments and buy other necessary items, तो दूसरे जरूरी items और payment के लिए money हाथ में जरूर होना चाहिए। Raw materials and money in hand are called working capital, तो working capital किसे कहते हैं, देखिए raw materials और हाथ में जो पैसा है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स के अलावा दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन, इन सबको प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो ये फिजिकल कैपिटल के टू पार्ट्स थे।
देर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है प्रोडक्शन के लिए, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर. तो लैंड लेबर और फिजिकल कैपिटल, देखिए लैंड लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ मिक्स करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज और एंटरप्राइज की जरूरत भी है. एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट. तो हम उस प्रोड्यूस को, आउटपुट को खुद यूज करें या मार्केट में बेचें. दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. इस सब को हम आजकल क्या ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाइंग द लैंड. इस पिक्चर में आप देखिए लैंड लेबर फिक्स्ड कैपिटल को प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है किस तरह आप देख सकते हैं. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग. तो हर एक प्रोडक्शन किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल सबको मिला करके प्रोडक्शन हम क्रिएट करते हैं, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इस सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की कहानी से पढ़ते हैं, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स. तो हम फर्स्ट थ्री फैक्टर्स के बारे में और जानेंगे. प्रोडक्शन फॉर कन्वीनियंस, वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ दिस चैप्टर. तो कन्वीनियंस के लिए हमने फिजिकल कैपिटल को इस चैप्टर में कैपिटल के रूप में रेफर किया है. तो आगे थर्ड वीडियो मैं आपको बताऊंगा. इस थर्ड वीडियो में आप समझेंगे कि लैंड इज फिक्स, तो पालमपुर में फार्मिंग किस तरह हो रही है, खेती किस तरह होती है, ठीक है. ये थर्ड वीडियो में देखेंगे आप.